कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी कभी तो वो अपने बयानों में ऐसा कुछ बोल देते हैं कि ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। बता दें कि 7 सितंबर 2022 से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कि जनवरी साल 2023 में श्रीनगर में जाकर खत्म हुई। इस दौरान राहुल गांधी की अनेक लोगों से मुलाकात हुई और उनका प्यार और स्नेह को खूब बटोरा। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कई ऐसे विवादित बयान भी दिए जिससे उन पर कई सवाल आ खड़े हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात कही, जिस पर दिल्ली पुलिस ने अब संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में प्रश्नों की एक सूची भेजी है और पीड़ितों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है, ताकि महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा था कि एक लड़की से उनकी बात हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ था, मैंने उससे पूछा कि क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इस पर उसने कहा कि पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो लज्जित होना पड़ेगा। बता दें दिल्ली पुलिस के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम शुक्रवार को राहुल गांधी के घर पहुंची थी और राहुल गांधी को नोटिस दिया था, जिसको राहुल गांधी ने खुद प्राप्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।